मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एस पाइंट। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग सिंधु दर्शन फेस्टिवल के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका करंट में भी चल रहा है। आपको पता है कि ये सिंधु दर्शन महोत्सव आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है, और मनाया भी जाता है तो 2021 में कब मनाया जाने वाला है। आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र किसमें, लद्दाख में, लद्दाख में 19 जून को ये आयोजन होने वाला है। कौन सा, सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। और जो आपका लेह शहर में लगभग आपका 8 किलोमीटर दूर, जैसे आपका शहर है मानस, सिंधु नदी के तट पर जो भी आयोजन किए जाने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव होते हैं, वो प्रतिवर्ष देश से सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं। अब ये जो आपका समारोह होता है, इसके दौरान भारत भर में जो भी कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, तो जैसे आपका डांस के लिए होता है, मतलब नृत्य करने वाले, तो उसके प्रदर्शन में ये कला प्रदर्शनियों के आदि आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही आपको इस महोत्सव के बारे में, जैसे कि आपका जनमानस सिंधु नदी के बारे में भी इसको जागरूक करता है। ये जो महोत्सव है, ये आपके सिंधु नदी के बारे में भी जागरूक करता है। आपको पता है कि सिंधु नदी के जो भी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जो भी जन प्रणाली होती है, तो उसमें से सिंधु नदी को एक माना जाता है। इसे विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। ये बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि इसका जो कुल बहाव है, क्षेत्र का अधिकार, इसका आपका इसका किस में है, पाकिस्तान और भारत में। ये बात काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेनी है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इस तरीके से इस महोत्सव को आयोजन किया जाता है। ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नृत्य करने वाले लोग होते हैं, कुछ नृत्य करने वाले होते हैं, कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, तो बहुत सारे लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। आपको पता है कि जो सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी के तंत्र में आपकी 6 नदियाँ आती हैं, लाइक आपका सिंधु हो गया, झेलम है, और आपका चिन्नाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये नदी इसमें शामिल होती हैं। अब सिंधु नदी की जो भी अपनी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे आपका चिन्नाब है, झेलम है, और आपका कौन कौन सी नदी होती हैं, जैसे सतलज है, रावी है, व्यास है, तो इसके साथ जो भी संगम पाकिस्तान में होता है, ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है। अब भारत और पाकिस्तान में जो भी नदी के किनारे रहने वाले अधिकांश लोग होते हैं, वो अपनी बुनियादी आवश्यकता और सिंचाई आदि के लिए इस नदी के तंत्र पर ही निर्भर करते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सिंधु दर्शन फेस्टिवल काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए आपको इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये कहाँ होता है, क्यों होता है, और इसकी जो भी सिंधु नदी के तंत्र में कौन कौन सी 6 नदियाँ होती हैं, और वो आपकी कहाँ पे होती है, जैसे पाकिस्तान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भारत और पाकिस्तान की नदियों के किनारे रहने वाले जो भी लोग होते हैं, तो वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं और सिंचाई के लिए किस पर निर्भर करते हैं, इसी नदी के तंत्र पर ही निर्भर करते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और सिंधु दर्शन महोत्सव कब होने वाला है, 19 जून को होने वाला है, इसका आयोजन किया जाना है, और ये हर साल जून में ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।